गढ़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से 300 पाव देसी शराब जब्त की है। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा सागर एकता चौक के पास वाहन चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक युवक बिना नंबर की एक्सेस स्कूटी से आते हुए दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो वह गाड़ी के संबंध में कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद उसकी गाड़ी में रखी हुई बोरी की तलाशी ली गई तो उसमें 300 पाव शराब रखी मिली। युवक से पूछताछ पे उसने अपना नाम सागर चौधरी निवासी सिंधी कैंप बताया है। अवैध शराब को जब्त करते हुए सागर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। सर, एक 34 की कार्रवाई हुई है, क्या पूरा? हाँ, यह विगत दिवस जो है गंगा सागर एकता चौक के पास में एक व्यक्ति जो है मोपेड बिना नंबर की एक्सेस मोपेड में आ रहा था। संदेह होने पर उसको चेक किया गया तो उसके कब्जे में जो है लगभग 150 पाव जो है 150 पाव के देसी मदरा के शराब पकड़ी गई है, तो उनके खिलाफ जो है 34-2 की कार्रवाई की गई है। आरोपी है, पूछताछ में उसका नाम आर सागर उर्फ निक्की चौधरी, पिता भूरा चौधरी, उम्र 20 साल, हीरा पहलवान की बिल्डिंग सिंधी कैंप का रहने वाला बताया है। हाँ सर, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? एकता चौक के पास, गंगा सागर के पास एकता चौक। इसका कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, वो पता कर रहे हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं घमापुर और हनुमानताल में। हाँ सर, शराब किसकी लेके आ रहा था? ये पूछना गया लेकिन वो जानकारी नहीं मिल पाई।